Good morning, class. First, how are you? Welcome again online English class. Students, open your English books, chapter 14, page number 66. Today we will read chapter 14. Okay? So listen carefully and give attention. F R I E N D S, Friends, L E T Us, Read A B O U T About T H E S T O R Y. स्टोरी ऑफ ए एस सी एल सेल एफ आई एस एच फिश सेल्फिश एफ आर आई एन डी फ्रेंड सेल्फिश फ्रेंड फ्रेंड्स लेट अस रीड अबाउट द स्टोरी ऑफ ए सेल्फिश फ्रेंड फ्रेंड दोस्त सेल्फिश स्वार्थी जो केवल अपने लिए सोचे दूसरे के बारे में ना सोचे उसे क्या बोलते हैं सेल्फिश ओके okay? तो दोस्तों आओ एक स्वार्थी मित्र की कहानी पढ़ें ठीक है ओ एन सी ई वंस इन ए वी आई डबल एल ए जी ई विलेज वंस इन ए विलेज देयर टी डब्ल्यू आर ई वर टी डब्ल्यू ओ टू एफ आर आई एन फ्रेंड पी आर टी एच पार्थ ए एन डी एंड आर ए जे राज वंस इन ए विलेज एक बार एक विलेज गांव में देयर वर टू फ्रेंड्स दो मित्र थे पार्थ और राज क्या थे उनके नाम दो मित्रों के पार्थ एंड राज ओके दो मित्रों के नाम थे पार्थ और राज और दोनों कहा रहते थे एक विलेज में गांव में रहते थे वन वन डे डे इन इन एस आर आर सी एच सर्च सर्च ऑफ ऑफ डब्ल्यू के वर्क वर्क एक दिन काम की खोज में इन सर्च ऑफ वर्क काम की खोज में टी एच वाई दे पी एल ए डबल एन ई डी प्लांट टू गो टू ए सी आई टी वाई सिटी शहर उन्होंने शहर जाने का प्लान बनाया ठीक है एक दिन काम की खोज में उन्होंने शहर में जाने की सोची प्लान बनाया ठीक है दे पी ए डबल एस ई डी पास्ट टी एच आर ओ यू जी एच थ्रो ए डी ई एन एस ई डेंस एफ ओ आर एस टी फॉरेस्ट जंगल डेंस घना दे पास्ट वे थ्रो पास्ट थ्रो गुजरे ए डेंस फॉरेस्ट एक घने जंगल से जब वो गांव से शहर की तरफ जा रहे थे तब वो एक घने जंगल से गुजरे यानी कि शहर का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था टी ई आर ई वर मैनी, एन वाई मैनी डब्ल्यू आई एल डी वाइल्ड ए एन आई एम एल एस एनिमल्स देयर वर मैनी वाइल्ड एनिमल्स वहां पर बहुत सारे जंगली जानवर थे ठीक है जंगल में जंगली जानवर होते हैं तो वहां बहुत सारे जंगली जानवर थे आगे देखिए सडनली एस यू डबल डी ई एन एल वाई सडनली ए बी ई एर बी सी एम ई केम ओ यू टी आउट ऑफ ए बी एस एच बुश झाड़ी अचानक एक भालू बी एचानक भालू, एक भालू आ गया आउट ऑफ द बुश झाड़ी से अचानक झाड़ी में से एक भालू आ गया आर एजे राजई डी क्लाइंब्ड अप ए ट्री डी टी बट बट पार्थ डिड नोट नो हाउ टू क्लाइंब अपे ट्री क्लाइंब यानी चढ़ना ट्री पेड़ पर लेकिन पार्थ नहीं जानता था कि पेड़ पर कैसे चढ़े यानी कि पार्थ पेड़ पर चढ़ना नहीं जानता था सो so, ही एल एवा ले डी ओड्लू एन डाउन ओन द जी आर ओ यू एन डी ग्राउंड एमओीआई मोशन एल ई एस लेस मोशन लेस मोशन लेस मोशनलेस, मोशनलेस होता है अचेत अवस्था में बिल्कुल यानी कि हाथ पैर और सांस बिल्कुल ना हिलना और ना सांस लेना ओके तो सो ही ले डाउन ऑन द ग्राउंड मोशन लेस इसलिए वो जमीन पर अचेत अवस्था में लेट गया दिखाई दे है ना आपको पिक्चर में अचेत अवस्था में लेटा हुआ है तो उसने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया कि वो मोशन लेस होकर बिल्कुल बिना हिले डुले बिना सांस वो जमीन पर लेट गया द बी बीयर सी नियर पी आर टी एच पार्थ द बीयर केम नियर पार्थ भालू पार्थ के पास आया नियर पास केम आया भालू पार्थ के पास आया इट डब्ल्यू ए टी ई डी वॉन्टेड टू

एस एम ई एल टी स्म एंड टी एच ओ यू जी एस टी थॉट टी एच ओ टी दी वॉज डी डेड द बीअर स्मेल्टिम भालू ने उसे एंड थॉट और सोचा ही वॉज डेड की वो मरा हुआ था भालू ने उसे सूंघ कर क्या सूंघ लिया पहले तो जब उसके पास आया और सूंघ कर क्या सोचा उसने की ये जो पार्थ है ये जो लड़का है ये मरा हुआ है एस आई एन सी ई सेंस द बी ई आर एस बीयर्स डू नॉट ईट डी ई ए डी डेड बी ओ डी आई एस बॉडीज इट डब्ल्यू एन टी वेंट ए डब्ल्यू ए वाई अवे सिंस द बीयर्स डू नॉट ईट डेड बॉडीज जो भालू हैं वो मरे हुए डेड मरे हुए बॉडीज मरे हुए शरीरों को नोट ईट नहीं खाते हैं भालू मरे हुए लोगों को नहीं खाता है इट वेंट अवे वह चला गया क्यों चला गया क्योंकि उसने सोचा कि ये लड़का है इसको मैं खा लूंगा लेकिन जब वो बिल्कुल भी नहीं ला वो मोशनलेस था क्योंकि इसलिए भालू मरे हुए लोगों को नहीं खाता इसलिए वो वहां से चला गया टीएच देर एफ ओ आर फोर देयर फोर इसलिए द लाइफ ऑफ इस प्रकार द लाइफ ऑफ पार्थ वाज एस ए डी सेव्ड बच गई इस प्रकार पार्थ की जान बच गई ठीक है अगर वो अचेतन अवस्था में नहीं लेटता और हिलता या डुलता तो क्या होता वो भालू उसको खा जाता एफ टी ई आर आफ्टर आई एस दिस आफ्टर दिस इसके बाद राज सी एम ई केम डब्ल्यू एंड डाउन ए एन डी एंड एस के ईडी पी आर टी एच पार्थ राज केम डाउन इसके बाद राज केम डाउन नीचे आया एंड आस्कर्ड और पूछा किससे पार्थ से और पार्थ से पूछा डिड द बी इन योर कान में वियर से इन योर ईयर भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा किसने पूछा ये बताइए किसने पूछा राज ने वो पेड़ से नीचे उतर कर आ गया और क्या बोला कि भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा पार्थ एस आई डी सैड पार्थ सेड पार्थ ने कहा द बीयर एस एडवाइस मी एन टी आर ट्रस्ट ए एस एच द बीयर एडवाइज मी एडवाइज मी सलाह दी भालू ने मुझे सलाह दी है कि नेवर ट्रस्ट कभी भी विश्वास मत करो एक सेल्फिश फ्रेंड एक स्वार्थी मित्र पर कि एक स्वार्थी मित्र पर कभी भी विश्वास मत करो हियरिंग एच ई आर आई एन जी हियरिंग दिस ये सुनकर आर ए जे राज एफ एल टी फेल्ट ए एस एच एम ई डी अशेम्ड शर्मिंदा फेल्ट महसूस किया राज ने अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया यानी कि उसे अपने ऊपर शर्म आई कि उसने जरूरत पड़ने पर अपने मित्र को छोड़ दिया और अकेला ही वो पेड़ पर चढ़ गया नहीं तो अगर वो सच्चा फ्रेंड होता स्वार्थी नहीं होता सेल्फिश नहीं होता तो क्या करता वो पार्थ को भी अपने साथ पेड़ पर चढ़ाता या उसके साथ नीचे जमीन पर ही रहता लेकिन उसने ऐसा नहीं किया इसलिए वो क्या था सेल्फिश फ्रेंड था तो आ गई सबको स्टोरी समझ में अब सभी बच्चे पेज नंबर सिक्सटी एट निकालेंगे इसकी एक्सरसाइज करेंगे बेटा तो पेज नंबर सिक्सटी एट ओपन कीजिए पीछे से टर्न कीजिए पेज नंबर सिक्सटी एट मैच द सिमिलर वर्ड्स इसकी एक्सरसाइज बी निकालिए मैच द सिमिलर वर्ड्स एफ आर आई ई एन डी फ्रेंड फ्रेंड का क्या होता है कंपेनियन फ्रेंड को कंपेनियन से मैच कीजिए सी ओ एम पी ए एन आई ओ एन फर्स्ट को थर्ड से फ्रेंड को कंपेनियन से ठीक है सिमिलर एक जैसे वर्ड है क्लाइंब क्लाइम मीन्स चढ़ना होता है और असेंड भी चढ़ना होता है ठीक है सी एल आई एम बी क्लाइंब ए एस सी ई एन डी असेंड एस ए वी ई डी सेव्ड थर्ड को पी आर ओ टी ई सी टी ई डी प्रोटेक्टेड सेव्ड का प्रोटेक्टेड थर्ड को लास्ट से मैच कीजिए सेव्ड प्रोटेक्टेड और डी ई एन एस सी डेंस डेंस थिक टी एच आई सी के थिक डेंस का थिक ओके फ्रेंड का कंपेनियन क्लाइं का असेंड सेव्ड का प्रोटेक्टेड और डेंस का थिक अब सिक्सटी नाइन पेज पर आइए सिक्सटी नाइन पेज पर आएंगे सभी बच्चे ऑपोजिट है यहां पर क्या है हमारे ऑपोजिट वर्ड राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग कम कम का ऑपोजिट क्या है गो जी ओ गो कम जीओ गो रिच आर आई सी एच रिच का पी ओ आर पुअर लिखिए जल्दी से रिच पी ओ आर पुअर लिख लिया सभी ने नेक्स्ट देखिए डी ओ डब्ल्यू एन डाउन नीचे यूपी अप डाउन अप यूपी अप नेक्स्ट है टी ओ पी टॉप टॉप का है बी ओ डबल टी ओ एम बॉटम लिखिए बी ओ डबल टी ओ एम बॉटम इन ओ यू टी आउट इन आउट इन ओ यू टी आउट नेक्स्ट है नेवर एन ई वी ई आर नेवर नेवर का ए एल डब्ल्यू ए वाई एस ऑलवेज नेवर ऑलवेज अब दोबारा से देखिए कम गो जियो गो टॉप बी ओ डबल टी ओ एम बॉटम रिच पी डबल पुअर जल्दी से फिल कीजिए इन ओ यू टी आउट डी ओ डब्ल्यू एन डाउन यू पी अप डाउन अपनी आर नेवर ए एल डब्ल्यू ए वाई एस ऑलवेज नेवर ऑलवेज ओके हो गई सबकी अब अपडी देखिए मैच द सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स सेम साउंड से मैच करना है एट एट आई जी एस टी एट को ए टी एट से मैच करेंगे कर लिया सभी ने अब सेकंड है पी आई ई सी ई पीस पीस को पी ई ए ई से मैच कीजिए पीस पीस पी ई ए ई से मैच कीजिए इसको थर्ड है आर डबल ओ टी रूट रूट को रूट से आर ओ यू टी ई रूट ये रूट जड़ है और ये रूट रास्ता होता है ठीक है आर डबल ओ टी रूट को आर ओ यू टी ई रूट से मैच कीजिए नेक्स्ट है के एन ओ डब्लू नो एन नो नो सेम साउंड आ रही है ना नो नो लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है इसमें सबका मीनिंग अलग है लेकिन साउंड सेम है एक जैसे वर्ड आई है नो no, जानना और नो no, नहीं ऑफ ओ एफ ऑफ ओ डबल एफ ऑफ 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 कर लिया सभी ने मैचअप वेरी गुड अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके हार्डवर्ड और इसके क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी तब तक आप इसका बी सी और डी एक्सरसाइज को लर्न कीजिए ओके okay? और चैप्टर की रीडिंग कीजिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं स्टे होम स्टे हेल्थी